हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप एक मीशो सप्लायर हैं और आपके पास मीशो सप्लायर पे एक ऑर्डर आया हुआ है, तो आप उस ऑर्डर को कैसे प्रोसेस कर सकते हो, कैसे आप अपने उस ऑर्डर को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। अगर मीशो सप्लायर पे कोई ऑर्डर आता है आपके लिए, तो कैसे उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है, उसके पास को रेडी टू डिस्पैच कैसे करना है, साथ ही साथ उसकी पैकिंग किस तरीके से होनी चाहिए, उसका लेबल हम कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी एक मीशो सप्लायर हूँ और मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप मीशो सप्लायर के ऊपर अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट करोगे और कैसे वो कस्टमर तक डिलीवर होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना होगा और हमें मीशो सप्लायर पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ आप देख रहे हैं मुझे एक ऑर्डर आया हुआ है मीशो सप्लायर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना है अपनी मीशो पोर्टल पे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा ऑर्डर्स का, तो यहाँ पे आपको ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब आप ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा जहां पर आपके सभी ऑर्डर्स की पूरी जानकारी दिखने वाली है। साथ ही साथ अभी आपको ये पेंडिंग के ऑप्शन पे दिखाई देगा सारा का सारा प्रोडक्ट जो आपको आया हुआ है। अभी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें कितने ऑर्डर आए और उस ऑर्डर को हमें एक्सेप्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ऑर्डर है, उसके नाम भी है, उसकी इमेज भी है, SKU एंड एक्सपेक्टेड डिस्पैच डेट भी लिखी हुई है, क्वांटिटी कितना है वो भी लिखा हुआ है, ऑर्डर कब आया था और ऑर्डर नंबर क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एक्सेप्ट के लिए कन्फर्म कर रहा है, तो एक्सेप्ट क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ये एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पे नीचे कैसे आता है ऑर्डर आइटम एक्सेप्टेड। अभी हमें दूसरे ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है टू बी डिस्पैच, इस पे क्लिक करना है क्योंकि अभी ये इस ऑप्शन के अंदर चला गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडी टू डिसिप, अभी इसको क्लिक नहीं करना है क्योंकि जब आपका पैकेट आपका जो प्रोडक्ट है वो पैक हो जाता है कम्प्लीटली, तभी इसको रेडी टू शिप पे क्लिक करना है। तो मैं पैकिंग करता हूं, उसके बाद आपसे मिलता हूं। दोस्तों, अब हमारा प्रोडक्ट पैक हो चुका है। आपको इस पैकिंग में दोस्तों इसको व्हाइट लेवल रखना है, कोई भी ब्रांडेड पनी इसमें नहीं लगाना है, ब्रांडेड खोका नहीं लगाना है, आप इसको बिल्कुल व्हाइट लेवल रखिए। इसमें कोई भी लेबल नहीं होना चाहिए, कोई किसी भी ब्रांड का नाम नहीं होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा और व्हाइट लेवल होना चाहिए क्योंकि ये मीशो कस्टमर्स के लिए जा रहा है और ये ऑर्डर हो सकता है किसी रीसेलर के माध्यम से आया हो। अब पैकिंग करने के बाद हमें इस पे लेबल चिपकाना है जो कि मैं प्रिंट आउट निकाल के इस पे चिपका देता हूँ। अब हमें अपने डैशबोर्ड पे जाकर के मैंने बताया था कि हमें रेडी टू शिप पे क्लिक करना है, तो अब हम रेडी टू शिप पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रोसेस करेगा। देखिए ये मैसेज दे रहा है मूव टू रेडी टू शिप। अब हमें चौथे ऑप्शन पे क्लिक करना है रेडी टू शिप पे। देखिए यहां पर आ चुका है लेबल का ऑप्शन, तो हमें लेवल पे क्लिक कर देना है और ये लेवल डाउनलोड कर देगा। देखिए जैसे हम लेवल पे क्लिक करते हैं तो हमें कोरियर का नाम अलर्ट हो जाता है कि ये कोरियर कौन से कोरियर से ये जाने वाला है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ईकॉम एक्सप्रेस। हमें फिर से लेवल पे क्लिक करना है और अब ये हमारी विंडो में ओपन हो चुका है। देखिए ये लेबल आ चुका है और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। लेबल दोस्तों कुछ इस तरह का होता है जिसे डाउनलोड करके प्रिंट करके हमें अपने प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना है। तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन भी है कि इस पेज को बीच में से फोल्ड करके लगाना है क्योंकि प्रेयर इनवॉइस है और नीचे साइड इसका बिल है, तो बिल हमें नहीं चिपकाना है, हमें बिल या तो प्रोडक्ट के अंदर रख देना है या फिर इसको बीच में से इस पेज को फोल्ड करके ऐसा कुरियर इनवॉइस चिपका देना है। तो मैं इसको लगा देता हूं, ये कुछ इस तरह से पैक होता है। देखिए तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान था मीशो के ऊपर अपने ऑर्डर को प्रोसेस करना। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस YouTube चैनल पे, मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर कमेंट के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, हम और भी ट्यूटोरियल से लेके आएंगे मीशो सप्लायर के ऊपर और मीशो ऐप के ऊपर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।